हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गेट 1998 का फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन जो बेस्ड है कंटिन्यूटी इक्वेशन पे, बेस्ड है डार्सी विस्बेक इक्वेशन पे। व्हाट क्वेश्चन वांट्स टू डिलीवर, दैट इज अ फार्मर विशेस टू कनेक्ट टू पाइप्स। एक फार्मर है, एक किसान है जो दो पाइप को लगाना चाहता है ऑफ डिफरेंट लेंथ, ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड डायामीटर्स। दो अलग अलग लेंथ की पाइप को और डायामीटर को एक कॉमन हेडर के साथ लगाना चाहता है एंड सप्लाइड विथ 8 × 10³ मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ डिस्चार्ज। इतना डिस्चार्ज वो पर सेकेंड वो हेडर को दे रहा है ऑफ वाटर फ्रॉम पंप। One pipe is 100 meter long and 5 centimeter in diameter. एक पाइप है 100 meter long और 5 centimeter in diameter का। The other pipe is 800 meter long. दूसरा पाइप है 800 meter लंबा, यानी तकरीबन 8 गुना लंबा पहले पाइप से। Determine the diameter of the second pipe. हमें डायमीटर चाहिए सेकेंड पाइप का, सच दैट बोथ पाइप हैव द सेम फ्लोरेट। देखिए, ये ऐसा हो गया कि एक पानी की टंकी है अपने सिटी में, तो पानी की टंकी के बाजू के घर में भी जितना डिस्चार्ज आ रहा है उतना ही डिस्चार्ज दूर के घर पे आए, ऐसी ही बात हो गई ना। यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक पाइप की लेंथ है 100 मीटर और दूसरी पाइप की लेंथ है 800 मीटर, तो वहां पर दोनों पाइप में सेम डिस्चार्ज आना चाहिए, यानी 800 मीटर पे भी वही डिस्चार्ज आना चाहिए जो 100 मीटर पे आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अभी ये यहां पर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैसे आएगा इक्वल डिस्चार्ज। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो रहा है। अभी आगे क्या लिखा है, एज्यूम द पाइप्स टू बी लेड ऑन द लेवल ग्राउंड एंड फ्रिक्शन फैक्टर फॉर बोथ द पाइप एज 0.02। फ्रिक्शन फैक्टर दिया गया है 0.02। ऑल्सो डिटरमाइन द हेड लॉस इन मीटर्स। क्या निकालना है, हेड लॉस इन मीटर्स। दो पाइप है तो दो हेड लॉस होंगे, पाइप नंबर वन का हेड लॉस और पाइप नंबर टू का हेड लॉस इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर इन द पाइप्स। यानी हमें दो चीज निकालनी है, पहली चीज 800 मीटर लंबे पाइप का डायामीटर क्या होगा, दूसरी चीज हेड लॉस कितना होगा। प्रेशर ड्रॉप किस इक्वेशन से दिया जाता है, एक दिया गया है एफ 1/2 रो वी स्क्वायर एल बाय डी। घबराने की कोई बात नहीं है, ये डार्सी विस्बेक इक्वेशन ही है। कैसे, क्योंकि यहां पर प्रेशर ड्रॉप लिखा गया है, डार्सी विस्बेक इक्वेशन है एच एफ इज इक्वल टू 4FLV² / 2GD। तो यहां पर फ्रिक्शन फैक्टर डायरेक्टली दिया गया है, एफ इज फ्रिक्शन फैक्टर, यानी 4F की जगह पर F और बाकी डिवाइडेड बाय रो जी करेंगे, प्रेशर ड्रॉप डिवाइडेड बाय रो जी, तो हो जाएगा हेड लॉस पर मीटर और उसका इक्वेशन वही आएगा। यहां पर भी डिवाइडेड बाय रो जी कर देंगे तो FLV² / 2GD। आगे बढ़ते हैं और सोल्व करते हैं इस एग्जांपल को। पहले इस एग्जांपल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना ही डेटा दिया गया था। अब ग्राफ भी हमें प्रिपेयर करना है, यानी उसकी फिगर भी हमें प्रिपेयर करनी है और उसको सोल्व भी हमें ही करना है। और ऐसे एग्जाम्पल क्यों लेते हैं हम पुरानी एग्जाम से, क्योंकि यहां से 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने लास्ट यानी अभी एक गेट 1997 का बोयांसी फोर्स का इक्वेशन बनाया था और बोयांसी फोर्स से एक एग्जाम्पल सोल्व किया था, जो सेम एग्जाम्पल 1 मार्क के लिए मगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके गेट 2003 में पूछा गया है। मैं आपके सामने वो दोनों एग्जाम्पल लाऊंगा, दोनों एग्जाम्पल रखूंगा, ताकि आपको पता चले कि गेट की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए और मैं किस तरीके से करवा रहा हूं। अभी हम ये गेट 1998 का क्यों सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसका कोई सिमिलर एग्जाम्पल आया नहीं है, यानी 2021 या उसके बाद वाली एग्जामिनेशन में इस पर से क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के लिए। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप पहले ट्राई कीजिए। देखो, गेट की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले ट्राई कीजिए पढ़ के, कि आप गलत भी ट्राई कर रहे हो तो गलत आंसर भी निकालो। ऐसा समझ लो कि एग्जाम अभी आप दे रहे हो और उसका गलत आंसर निकालो,
फिर सही आंसर देखो, तो क्या होगा कि आपने गलती कहाँ की वो लॉजिक क्लियर होगा, और वो लॉजिक ही क्लियर करना है हमें गेट की प्रिपरेशन करने के लिए। आगे बढ़े, वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपके सामने फिगर रख दी है। फिगर में क्या दिया हुआ है, एक हेडर है, ये रहा कॉमन हेडर जिसमें से पंप में से पानी आ रहा है, ये है पंप, और कितने मीटर क्यूब पर सेकंड का पानी आ रहा है, 8 × 10³ मीटर क्यूब पर सेकंड। एक पाइप है जो 100 मीटर लेंथ है, जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, मैंने उसको मीटर में लिखा है। उसमें से डिस्चार्ज सपोज 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 Q1 आ रहा है। फ्रिक्शन फैक्टर दोनों पाइप का दिया गया है जो है 0.02, और दूसरा पाइप है 800 मीटर का, वहां पर डायमीटर कितना होगा, तो वहां पर भी क्या डिस्चार्ज आना चाहिए, क्यू ओनली। तो हमें पता है कि अगर दो पाइप है, दो में से इक्वल डिस्चार्ज चाहिए, टोटल डिस्चार्ज है 8 × 10³ मीटर क्यूब पर सेकंड, तो एज पर डिस्चार्ज का इक्वेशन Q = Q1 + Q2 लगाएं, और Q1 दोनों में सेम है, यानी कि Q1 = Q, सो 2 × Q1 = Q, यानी हर एक पाइप में से 4 × 10³ मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लो आना चाहिए। ये तो बात यहां से क्लियर हो जाती है। अब हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या पूछा गया है, पहले तो हमें डायमीटर चाहिए, और दूसरी चीज हमें चाहिए हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, टोटल हेड लॉस, यानी हेड लॉस इन पाइप 1 प्लस हेड लॉस इन पाइप 2। अब डिस्चार्ज दोनों के सेम है तो हेड लॉस भी सेम ही रहेंगे, तो हम पहले हेड लॉस को कंपेयर करेंगे, दोनों के हेड लॉस को कंपेयर करेंगे तो हमें डायमीटर मिलेगा। कैसे मिलेगा देखाता हूं। यहां पर लिखा है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, समझा दिया था, वैसे उसी तरीके से लिखा है, F × 1/2 ρ V² × L/D। ये प्रेशर ड्रॉप है, जब प्रेशर ड्रॉप को आप डेंसिटी इंटू ग्रेविटी के साथ डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, तो हमें इक्वेशन मिलेगा FL V² / 2 GD। F क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है। अगर दोनों पाइप का डिस्चार्ज सेम है, यानी दोनों पाइप का हेड लॉस भी सेम ही होने वाला है, यानी F1L1 V1² / 2 GD1 और F2L2 V2² / 2 GD2। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डायमीटर D2, तो बाकी की वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू सेम है, तो मैं यहां से ही निकाल देता हूं F1 और F2 को, यानी F1 निकल जाएगा और F2 निकल जाएगा। लेंथ ऑफ दी 1 क्या है, 100 मीटर है, लेंथ ऑफ दी 2 क्या है, 800 मीटर है। 2G यहां से निकल जाएंगे, 2G out। अब बचा V1, V1 वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमारे पास A1V1 = A2V2 का इक्वेशन है, यानी Q = area × velocity, ये इक्वेशन है। तो यहां से हम वेलोसिटी का इक्वेशन बनाते हैं, Velocity = Q/area, यानी Q/π/4D1² अगर हम V1 की बात करें तो, और इन जनरल बात करें तो 4Q/π/D² अगर हम यहां पर D1 लिखते हैं, तो क्या होगा, V1 वेलोसिटी। अगर यहां पर D2 लिखते हैं तो क्या होगी, V2 वेलोसिटी। दोनों के लिए डिस्चार्ज सेम है, जो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, 4 × 10³ मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि दोनों पाइप में डिवाइड हो जाती है 8 × 10³ मीटर क्यूब पर सेकंड, जो हेडर से आती है वो। V1 की वैल्यू निकल आएगी 4 × Q1/π/D1², क्योंकि Q1 की वैल्यू हमें पता है और D1 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में डाल के ये वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो V1 की वैल्यू मिल गई, वैसे ही हमें V2 की वैल्यू चाहिए, तो V2 की जगह पर हम लिखेंगे V2 = 4Q2/π/D2². यहां पर D2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट V1 की जगह पर हम ये इक्वेशन रखेंगे और V2 की जगह पर हम ये इक्वेशन रखेंगे इस वैल्यू और इस वैल्यू में। तो देखिए मैंने यहां पर लिख लिया है L1, तो ये रहा L1, ये V1 की जगह पर 4 × Q1/π/D1² 4 × Q1/π/D1²
ये वैल्यू आ गई, और v1 का स्क्वायर है इसलिए यहां पर भी स्क्वायर कर दिया। वैसे ही l2 इंटू वी टू फोर इंटू क्यू टू पाई डी टू स्क्वायर का स्क्वायर, वी टू का स्क्वायर है इसलिए डिवाइडेड बाय d1 एंड d2 है, तो यहां पर d1 एंड d2 रख दिया। q1 और q2 की वैल्यू सेम है तो यहां से ही निकाल दो, q1 और q2 का कोई मीनिंग ही नहीं है। 4 को भी निकाल दो, 4 का भी कोई मीनिंग नहीं है। पाई को भी निकाल दो, पाई का भी कोई मीनिंग नहीं है। बाकी बची वैल्यू d1 की वैल्यू दी गई है, तो बाकी बचा अननोन d2, तो यहां से हमें d2 मिल जाएगा जो है 7.57 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 मीटर। तो डायमीटर ऑफ सेकंड पाइप मिल गया। अगर हम डायमीटर ऑफ सेकंड पाइप जिसकी लेंथ है 800 मीटर उसका अगर डायमीटर रखेंगे 7.57 सेंटीमीटर तो हमें इक्वल डिस्चार्ज मिलेगा। अब हमें चाहिए हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, तो हेड लॉस दोनों का सेम है और हेड लॉस पर यूनिट लेंथ क्या होगा, F इंटू एल, फिर से मैं पेन ले लेता हूं, F ये है F की वैल्यू इंटू एल, देखो ये इक्वेशन देखते जाओ, F L V1 स्क्वायर, यहां पर हमने V1 स्क्वायर लिया है तो V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू G 9.81 इंटू D1 0.05, तो HF1 हमें मिल जाएगा और HF1 इज इक्वल टू HF2 है, यानी कि टोटल प्रेशर कितना होगा, पाइप तो दो है इसलिए एच एफ वन प्लस एच एफ टू इज इक्वल टू टू टाइम्स एच एफ वन इज इक्वल टू 0.17 मीटर। इतना हेड लॉस रहेगा, जितना भी हेड है पानी का हेडर के अंदर उसमें से 0.70 मीटर कम कर दो उतना हेड अवेलेबल हो पाएगा, बाकी का लॉस हो जाएगा। तो आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया है, कोई भी त्रुटि मेरे से रह गई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर 10 मिनट नहीं दे पाओगे गेट के लिए पर डे तो बहुत पछताओगे। थैंक यू वेरी मच।